जंतर मंतर की जमीन में छह बार धरना प्रदर्शन दे चुके हमारे मेहरबान मंत्री अब तक हम पर ध्यान नहीं दिए। अरे भाई परेशानी कर रहे हो, मेरा जान मार रहे हो, हम मरने को तैयार हैं। कितना मारोगे? अरे हम तो खुद मरने के लिए तैयार हैं। अगर ये मरने की तैयारी अगर हम अपने सर पर नहीं लेते तो ये आप क्या बार बार पांच बार नहीं छह बार नहीं आते? हमारे मीडिया गुरु, हमारे मीडिया भाई बार बार ये टीवी चैनल में देते हैं, अपने रेडियो न्यूज में देते हैं भाई, पेपर में देते हैं, लेकिन इनका न्यूज का भी कोई असर नहीं होता, कोई असर नहीं होता। कोई मेरे लिए मेहरबान है ये नहीं, जब मेहरबान नहीं है तो हम कल से आकर यहाँ भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। चलो आपको कोई मेहरबान होगा, इनके बाद हम अंतिम निर्णय लेंगे। अभी निर्णय अभी अंतिम नहीं सोचे हैं कि हमारे मीडिया पर वाली भाई, हमारे पेपर मीडिया वाले, हमारे और बुजुर्ग लोग सारे मेहनत हमारे पीछे कर रहे हैं, वो लोग भी ढूंढ रहे हैं। लेकिन हम लोग को कहाँ तक, वो किस हद तक पहुँचाते हैं? जब वो अपने हद पार कर जाएंगे तो फिर मैं अपना हद खत्म करूँगा, तब जान की बाजी करूँगा मैं। देख रहा हूँ हमको नहीं वो ढूंढ रहे कि हमारे मंत्री, हमारे राज, हमारे सारे मेरे लिए है। अब मेरे लिए अब तक तो फैसला ये कब फैसला होगा? ये निर्णय आप कब लेंगे भाई? ये निर्णय आप कोविड में लेके घूम रहे हैं, ये निर्णय नहीं देना चाहते, ये देना होगा। कब दोगे? ये देना होगा, क्योंकि एक बार नहीं, ये छठा बार है। कितना बार होता रहोगे? सातवां बार, आठवां बार, तैयार हो? भूखे प्यासे रह के ये क्या, हम लोगों का भूख प्यास तपीश ये गर्म एहसास नहीं है उन लोग? अरे एहसास होगा भाई, एहसास होगा, अभी एहसास नहीं हुआ है। मैं भी एक माँ का ममता हूँ, मुझे भी दूध चाहिए। हाँ कौन दूध देगा? अरे आप दूध देने वाले हो, दो ना भाई हमको, हम तो लेने आए, काहे नहीं देखे हो? तुमको किस लिए बनाया गया? मेरे लिए, मेरे खातिर। हम पर ध्यान नहीं दे रहे? हाँ कितने दिन हमको आप इस आग के अंदर रखो? ये तभी हम बर्दाश्त किए हुए, करो जितने दिन पूरा तैयार है। तो आप लोग तैयार है ना? बिल्कुल रहेंगे, लग के और लग के रहना, जो हो जान जाए या रहे, मर जाएंगे मिट जाएंगे इसी सर जमीन पे, लेकिन अपना काम हल करके लेके रहेंगे। और हमारे अध्यक्ष महोदय को हम लोग अपने आपस में तू तू मैं एक बात दो बात हो जाती है, ये भाई ये हमारे अध्यक्ष के कलम से ये चीज होने वाला नहीं है, कहने वो आज ही कलम से लिखने के लिए तैयार है। वो चाह रहे हैं कि आज ही सबको हम लिख के देते, मेरे कलम से अगर होता ये बात, ये बात मेरे कलम से अगर हो जाती तो मैं आज ही लिख के देता। लेकिन नहीं भाई, उनकी भी बस की बात नहीं है, वो भी एक फरियादी है, वो भी एक भिखारी है जो भीख मांगने आए। और जो ममता देने वाले हो अब तक हम तो सुनवाई नहीं कर रहे, ये कब करेंगे? तो भाई होगा, उम्मीद है। तो आप देखिए हमारे अध्यक्ष जी बोल रहे हैं आज ही उसका निर्णय है, लास्ट टाइम तक देखिए क्या निर्णय, क्या फैसला आता है, उनके बाद हम लोग सोचेंगे कि फिर अगला निर्णय लेंगे या फिर नहीं लेंगे। देखिए ये आंदोलन, ये धरना प्रदर्शन लोग अपने तरीके से देते, लोग अपने तरीके से, हम लोग अपने तरीके से देते। हम लोगों को भगदड़ नहीं मचाना है, जिस तरह लोगों ने भगदड़ मचाया, लोगों ने जान की बाजी खेली, मुझे जान की बाजी नहीं खेलना है, मुझे भगदड़ नहीं मचा, मुझे शांति बना के अपना काम का अंजाम देना है। और किसी से जमीन से मेरा काम का अंजाम होगा, यकीन है और विश्वास है, आज नहीं तो कल, बस यही टाइम है, आज नहीं तो कल, और ज्यादा दिन नहीं है। अरे बार बार किसी चीज का हद और इंतहा तीन बार होता है, मेरे साथ छह बार हुआ, तो ये भी हम हद पार कर चुके हैं ना, मुझे भी विश्वास है ना, किसी भी हद का इंतहा और इम्तदा, इब्तदा और इंतहा जो है कितने दिन होता है? तीन बार। लेकिन मेरे साथ कितना बार हुआ है? छह बार। अब ये बार नहीं आएगी, अब मेरा अंतिम बार है, ये कह रहे हैं आप लोग, और विश्वास है क्यों कि हम उल्लंघन नहीं करते, हम शांति बना के रखे। जिस तरह फरियादी को भीख मिलता है उस तरह भीख लेने आए, अरे भीख देने वाले दाता आप दे दो, अब हम भी बर्दाश्त किए हुए, अब देना पड़ेगा, और देने का टाइम वक्त है। इसके बाद हमारे ये कमांडरी महोदय यहाँ मौजूद है, ये
अपने ड्यूटी भी करते हैं, प्लस एक होनहार आदमी भी है, इसको इसका ज्ञान और विज्ञान आज अंतिम टाइम में उनको भी सुनेंगे। बहुत बड़ा स्टूडेंट है जी।